शासन है, इसका फल और इसकी छाया उनको मिलेगी। सामाजिक विद्वेष का बनाना, जब एक व्यक्ति को बुलाकर मुख्यमंत्री जी चरण वंदन कर रहे हैं नरेंद्र मोदी की तर्ज पर, और जो वास्तव में पीड़ित है उसके साथ कुछ नहीं कर रहे, उसके चाचाओं ने क्या बिगाड़ा था साहब, तो हमको अलग जगाने है। क्या अपराध पेशाब करना, अपराध कौन सी धारा आती है साहब? नशे की हालत में नशे में वो व्यक्ति भी बैठा हुआ था, उसके विरुद्ध भी केस दर्ज किया जाए। सार्वजनिक स्थल पर शराब पीना अपराध है, कराइए केस दर्ज। वाले समाज को पहली चीज नशा त्यागो, बहुत सीधी सी बात है, लेकिन न्याय हो, वो चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो या शूद्र हो, सबके साथ न्याय हो, अन्याय किसी के साथ नहीं। कोई राजनीतिक दल ब्राह्मण समाज के साथ नहीं है, बीजेपी हो या कांग्रेस हो। बीजेपी में भी बता दीजिए केदार शुक्ल जी ने, जो आपके स्थानीय विधायक हैं, क्या विधानसभा में इसके विरुद्ध आवाज उठाएंगे? क्या रीति पाठक संसद में आवाज उठाएगी? क्या कमलनाथ विधानसभा में आवाज उठाएगी? ब्राह्मण समाज के खुद का दल नहीं। आगामी विधानसभा चुनावों के अंदर अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा, कह रहा हूँ मतलब सभी ब्राह्मण, सभी क्षत्रिय, सभी उसमें शूद्र भी सम्मिलित है, ठीक है सर, अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा अपना प्रत्याशी उतारेगी रीवा संभाग के समस्त पांचों सीटों से। उनकी मदद पहली चीज हमने सरकार से मांगी अपने ज्ञापन के अंदर, जो करना चाह रहे थे सामाजिक तौर पे। अरे हम इतने कितने आबादी आपके क्षेत्र के अंदर सर, अगर हम 100-100 रुपए भी देंगे ना तो वहाँ पहुँच जाएंगे। 15 से 1 महीना इंतजार कीजिए, आपको मालूम चल जाएगा उसके बाद कितनी राशि पहुँच गई।